नमस्कार, आरपी न्यूज देख रहे हैं आप। राजस्थान के चिड़ावा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में एक 14 वर्षीय बच्ची को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आरपी न्यूज के माध्यम से हम आपको चिड़ावा से बता रहे हैं, जहाँ पर एक 14 वर्षीय बच्ची को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बिना माँ बाप के भाई बहनों को अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो वहीं 2-3 दिनों तक सहमे हुए रहे, लेकिन बाद में वे हिम्मत करके थाने पहुंचे और अब न्याय की गुहार के साथ साथ सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। और चिड़ावा के थाना अधिकारी भगवान शाह मीणा ने हमें बताया कि अड़ोका की एक ढाणी में रहने वाले 19 वर्षीय युवक ने रिपोर्ट दी कि 3 अगस्त को रात के समय उनकी बहन घर पर अकेली थी। निजामपुरा तन ओजटू निवासी 19 वर्षीय सोमेश नायक ने आकर उनकी बहन को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाया और उनके साथ दुष्कर्म किया। वह जब घर आया तो कमरा बंद था और उसकी बहन चिल्ला रही थी। उसने करीब 2 घंटे तक दरवाज़ा खटखटाया और आरोपी को सामने उनकी बहन को छोड़ने की मिन्नत की, लेकिन आरोपी नहीं छोड़ा। इसके बाद वह बड़ी बहन और जीजा को बुलाने चला गया। चिड़ावा पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी भगवान साई मीणा को जानकारियां दे रहे हैं अपराधी के बारे में। आइए उनको सुनते हैं। एक अड़ोका का युवक ने 6 तारीख को रिपोर्ट दी थी कि 3 तारीख को उसकी बहन के साथ जो नाबालिग थी घर में घुस करके और उसके साथ में अंदर से दरवाजा बंद करके और उसके साथ रेप किया गया। घटना 3 तारीख को शाम को 8 बजे के आसपास की बताई थी। ये युवक जो है 6 तारीख को हमारे यहाँ पर रिपोर्ट देने आया। जैसे ही रिपोर्ट देने आया तुरंत तो हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। जो आरोपी जो है वो औजपुर का रहने वाला था। घटना के बाद से वो इधर उधर भाग गया। एज अर्ली एज पॉसिबल हमने इधर उधर संदिग्ध स्थानों पर दबिश दे करके और उसको दस्तियाब किया और विद इन 24 आवर्स में हमने उसको गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश करके और अब हमने उसको देसी भिजवा दिया गया। सर, ये जो बच्ची का भाई था ये मौके पर उस टाइम मौजूद था? ये 8 बजे के आसपास की घटना है और घटना के लगभग 2 घंटे बाद में ये आया था। तब भी अंदर से दरवाज़ा बंद था। इसका कहना था कि मैंने दरवाज़ा खुलवाया लेकिन दरवाज़ा खोला नहीं। काफ़ी देर बाद में दरवाज़ा खोला। उस समय जब वो आरोपी वहाँ पर आया था लड़की अकेली थी।